हमेशा आम जन के बीच में रहते हैं, उनकी जन समस्याएं सुनते हैं, उनका समाधान करते हैं। चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला, एक बार तालियों के साथ हम इनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। चौधरी साहब के साथ पहुंचे बाया गांव डोगमा जंक्शन, तमाम तरह की बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सुविधाएं हमें उपलब्ध करवाएगा चौधरी रणजीत सिंह जी, और उनके साथ पहुंचे हुए इनका स्वागत करेंगे। खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो आदमी की तरह आदमी से मिलते हैं, तो हरमन प्यारे नेता चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला, विद्युत एवं जेल मंत्री हरियाणा सरकार, हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। आम जन के ये नेता भैया गांव से पूर्व सरपंच हरी सिंह जी को भी विवेकानंद की प्रतिमा डोगमा जंक्शन के द्वारा एक शुरुआत की गई है, क्या कहना चाहिए? ये बहुत बढ़िया प्रयास है जी, के पहले बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज थे, अहमदाबाद, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, ऐसे शहरों में था, अब ये सिरसा जैसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे छोटे टाउन्स में आया है। लोगों को बड़ी फैसिलिटीज मिलेगी, आम लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। जिस काम के लिए बहुत लंबी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, उससे घर बैठे आपके 10 मिनट में सब काम आप कर सकते हैं। जो लोग भारत में डिजिटलाइजेशन का काम कर रहे हैं, क्या सरकार उनके लिए भी कोई अहम कदम उठाएगी जिससे उनका हौसला बढ़े? देखिए, सरकार के मोदी जी के प्रयास से ये सारा हुआ है, जैसे स्मार्ट प्रोजेक्ट आए, ये आए, ये उनका बहुत बड़ा प्रयास है। आजकल तो दुनिया बड़ी बहुत टाइनी वर्ल्ड बन गया, दुनिया इकट्ठी हो गई, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, इस मामले में इसका बहुत बड़ा रोल हो गया। तो आमजन इसका किस प्रकार से लाभ उठाएगा? देखिए, हर आदमी जब समझता है कि समय बचेगा और तुरंत काम होगा और टोटल ट्रांसपेरेंसी है, तो हर आदमी जुड़ना चाहेगा। ये हम जयपुर बेस्ड कंपनी है, एक स्टार्टअप है जो फिनटेक लाइन में हम काम कर रहे हैं, और हिंदुस्तान के ऑलमोस्ट 5000 शहर हमने कवर कर रखे हैं। बट उसमें भी हमने एक एडवांस इनोवेशन करते हुए एक ऐसा मॉडल स्टोर बनाया है जो सुसज्जित हो, जिसमें कस्टमर को बैठने की प्रॉपर व्यवस्था हो, वेल ट्रेंड स्टाफ हो, और जो एक लोकल मैनेजर होता है उसके पास कैपिटल की कमी होती है तो वो कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो इस वजह से जो आम लोग हैं, एक तो उसको वापस नहीं जाना पड़ेगा, और एक सरकार द्वारा जो निर्धारित रेट है उसके ऊपर उनको सुविधाएं मिलेगी। इस ये जो आपने वैन शुरू किया है, इसके अंदर जो आमजन है वो इसका किस प्रकार से लाभ ले सकती है? हमने क्या किया, इसमें तीन मॉडल हमने अपनाए हैं। पहला मॉडल, जैसे कि आप जो देख रहे हैं, ये शॉप बेस्ड है, जैसे किसी के पास शॉप है तो उसमें लेकर वहाँ के लोकल को सुविधा प्रोवाइड कर सकता है। बट हमने देखा कि कुछ दूर दराज ऐसे एरिया हैं जो गाँव में ये ऑफिस रेगुलर करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो हमने ये पूरा का पूरा ऑफिस, मतलब चलता फिरता ऑफिस बना दिया। जो गाड़ी के ऊपर हमारा ऑफिस है वो क्या करता है, हर जगह जाता है, जैसे मतलब पर्टिकुलर एक दिन किसी गांव में, दूसरे दिन किसी गांव में जाता है, वहां जाके वहां के जो लोग हैं उनको सुविधा प्रदान करता है। मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा कि जैसे आजकल क्या हो रहा है, सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सब्सिडी डायरेक्ट अकाउंट में देना शुरू कर दिया, तो अकाउंट में सब्सिडी तो आ गई बट वो पैसा निकाले कहाँ? जो नरेगा वाला मजदूर है, जो ग्रामीण आदमी है, या जो किसान निधि योजना का जो किसानों का पैसा आ रहा है, वो निकालने के लिए उसको एटीएम जाना पड़ेगा, तो वो एटीएम नहीं होता। तो ये हमारा एक तरह से एटीएम वैन भी है, तो वहाँ जब जहाँ जहाँ ये एटीएम वैन जिस गांव से जिस दिन से निकलेगी उस दिन उसको वहाँ पैसा निकालना, किसी को जमा करना है तो जमा कर सकता है, किसी को पैन कार्ड बनाना है, किसी को मतलब सरकारी और गैर सरकारी सारी सुविधाएँ उस एक ही मतलब गाड़ी के ऊपर हमने दे दी है। ने इसमें तीसरा जो मॉडल अपनाया, हमने ये देखा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये गाड़ी पर्टिकुलर किसी एक स्टेट में नहीं ले जा सकते या किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं ले सकते, क्योंकि थोड़ी ये कॉस्टली होती है। तो इसमें हमने एडवांस नवाचार करते हुए हमने एक ऐसा मॉडल, सेम यही मॉडल बाइक के ऊपर दे दिया, जिसको हमने बाइक जंक्शन जिसका हमने नाम दिया। तो वो सेम जो ये आप शॉप देख रहे हैं, सेम वही सर्विस देगा, बट वो बाइक के ऊपर एक छोटा सा ऑफिस हो गया। जैसे आजकल आपने ये देखा होगा स्विगी और ये जोमेटो वगैरह है, बाइक के ऊपर अपना पूरा बैग लेके सभी जगह सुविधा देने लग गए हैं। आज छोटे से छोटे शहरों में सुविधा शुरू हो गई, वैसे ही हमने ये बाइक के ऊपर जंक्शन स्टार्ट किया है, उसके अंदर भी बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, सारी तरह की सुविधाएं जो है हम प्रदान कर रहे हैं।